हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है और छुट्टी भी है, स्कूल की छुट्टी है। कल संडे हो जाएगा, फिर कल के बाद परसों आता है। आप लोग कल, आज, कल, परसों ऐसे ही गिनते हो ना? तो मैं भी ऐसे गिनती हूँ। तो परसों हो जाएगा मंडे और मंडे को है बकरीद। तो इस तरह से मंडे को भी छुट्टी है। आज सैटरडे है, सैटरडे को स्कूल का छुट्टी रहता ही है, संडे को तो रहता ही है। सैटरडे को रहता है, किसी किसी स्कूल में हाफ डे रहता है, मतलब और जो बहुत सारी स्कूलें हैं, किसी में हाफ डे रहता है, किसी में फुल डे रहता है, लेकिन छुट्टी रहता है। अब मंडे को तो नहीं रहता, लेकिन बकरीद है, तो इस बार बकरीद की वजह से भी छुट्टी है। क्या हुआ, एक बाल कहाँ से आ रहा है? तो आंख में लगता है गुस्सा जा रहा, अभी बोलने को नहीं हो रहा, बार बार उसको ही खींचना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, 3 दिन की छुट्टी है। अभी 1 हफ्ते पहले स्कूल लगी और छुट्टी छुट्टी छुट्टी, बच्चों को भी इंजॉय, मुझे 3 दिन की छुट्टी कितना खुश हो रहे हैं। अब अभी देखो कि गाँव में तो बच्चों की स्कूल भी नहीं स्टार्ट हुई है, कुछ बच्चों की तो मंडे से होने वाली है कुछ स्कूल। तो इस तरह से जो जैसे चालू हो रहा है तो हो रहा है। और क्या है, मैं ऐसे ही घर पे काम कर रही थी, साड़ी थोड़ा रील्स बनाई, तो मैं सोची कि काम भी कर लेती हूँ, रील बनाई हूँ तो देखना, मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाया। एक रील आप लोगों को बताओ, ये वाला फेमस है ना, अरे मोरे राजा तू इंस्टाग्राम चला बेलू का, सब लोगों ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया था इस पर, तो आज मैं भी बनाई हूँ। तो देखो मेरी कैसी लग रही है। अभी यूट्यूब में तो इसकी नहीं डाली हूँ, इंस्टा पे इसका डाली हूँ और एक फेसबुक में भी डाली हूँ। फेसबुक में भी आप मुझे ललिता नामदेव से सर्च करेंगे ना, तो वहाँ मेरी वीडियो मिल जाएगी। अभी वहाँ पे मुझे 20,000 फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ पे मतलब नाम सर्च से आ जाता है मेरी वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार और साथ है तो बढ़ेंगे ही। पहले ही यूट्यूब में अभी मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी हो जाए, कि नहीं भी हो, देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी भी लाइफ चल रही है। और अभी बारिश भी 2-3 दिन हुई, फिर बंद हो गई। मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं फर्स्ट बार मुंबई में आई थी, आज से 13-14 साल पहले, प्रियम का जन्म नहीं हुआ था, तो उस बार सच में बताऊँ, मुंबई में मैं आई थी जून में, नहीं मई में आई हूँ, 26 मई को, ऐसे 4-5 दिन रुकी थी। उसके बाद इतनी 2 जून से बारिश शुरू हुई तो बंद नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि क्या ऐसे ही मुंबई में बारिश होती है, इतनी बारिश हुई थी कि फिर बंद नहीं हुई। और अभी पता नहीं क्या हो गया है, बारिश पिछले साल भी कम हुई थी, पानी की समस्या हो रही है। सच में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आने लगा है। अगर इसी तरह से बारिश नहीं हुई तो पानी कहाँ से मिलेगा, बड़ी समस्या सच में। आज 12-13 जून है, थोड़ी सी ऐसे ही बारिश हुई थी 2-3 दिन, लेकिन अच्छे से बारिश ऐसे चाहिए जैसे पहले मैं आई तो 2-3 सालों बारिश होती थी, कि जून में बारिश चालू हो तो पूरा जून ही चलता रहता था। फिर जून होने के बाद जुलाई में थोड़ा बंद होती थी, फिर उसके बाद स्टार्ट होती थी फिर से। अगर वो सितंबर तक बारिश होती थी, लेकिन अभी देखो नहीं हो रही है। तो और बताओ आप लोगों का क्या चल रहा है, मैं ही अकेले आप लोगों को सारी अपनी बातें सुनाती रहती हूँ। बड़े बदमाश होते जा रहे हो आप लोग, मेरी सारी बातें सुन लेते हो, अपनी कुछ नहीं बताना ना है आप लोगों को, अपने गाँव का, अपने घर का कोई हाल खबर बताना है कि नहीं, कि आपके लोगों क्या बारिश हो रही, आंधी तूफान। गांव में तो मैं गई, बताओ अभी अप्रैल में गई, मैं क्या सोच के गई थी कि आंधी तूफान नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं वहां पर अप्रैल में ही चली गई थी। जैसे कि अप्रैल में हुई तो यही मैं लास्ट अप्रैल में गई, फिर मई जून में ही इतनी बारिश जाने के 3-4 दिन बाद। अब जब से मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मैं पूछ रही थी कि मेरे आने के बाद किसी दिन बारिश हुआ, तो लोग बोले नहीं हुआ, ना बारिश हुआ ना कुछ हुआ। अब मैं पहुंची थी तो रोज बारिश, ना अच्छे से तैयार होने का, ना कोई वीडियो बनाने का, ना इतनी आंधी तूफान आती थी सच में, कि वहां पर सारा जितना घर में पेड़ पौधे के पत्ते रहते सब घर के अंदर ही घुस जाते थे, सारे कपड़े गंदे, धूल मिट्टी। आवाज आ रही है दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, सॉरी।
आप लोगों को मेरी आवाज के साथ साथ एक और आवाज सुनाई दे रही होगी ग्रर की, इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं से बंद कर रही हूँ आज के लिए। बस इतना ही, राधे राधे। वो आवाज मैं नहीं बंद कर सकती क्योंकि बिल्डिंग में किसी का काम चल रहा है, तो वो आवाज मेरे बस की बात नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन मेरी आवाज तो मेरे बस में है। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ उस आवाज की वजह से, इसीलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।